नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 2024 चुनाव के लिए अभी से जुट जाएं कांग्रेसी, नकुल दुबे। बांगरमऊ लखनऊ मार्ग स्थित एक गेस्ट हाउस पहुंचे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 2024 के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां करने पर जोर दिया। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे बुधवार दोपहर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते क्षेत्र में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वह बेहटा मुजावर में कांग्रेस विधानसभा प्रभारी महेंद्र मिश्रा के यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा कि 2024 का चुनाव नजदीक है, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। ग्राम कलवारी में युवा कांग्रेस की टीम ने नकुल दुबे का भव्य स्वागत कर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने जसरापुर गांव में सोनेलाल कश्यप व सुंदरलाल निषाद के घर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दीक्षित मार्केट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने नफरत और विभाजन की राजनीति करने वालों के मंसूबे पस्त कर दिए हैं। आज समूचा देश नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारे के साथ एकजुट हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था व महिला उत्पीड़न के सवालों से सरकार घबराई हुई है। जब राहुल गांधी ने अडानी के रिश्ते उनको याद दिलवाए गए, ठेकों के बारे में पूछा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बौखला गए और षड्यंत्र रच कर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करा, दिल्ली का आवास खाली करवा लिया। कहा कि हमारी अन्याय सहने की हालत हो चुकी है, जनता भी इस सरकार से अब ऊब चुकी है और वह कांग्रेस मौजूद रहे सरकार को दोबारा लाना चाहती है। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आरती वाजपेयी, रीवा वाजपेयी, राजीव वाजपेयी, दिनेश शुक्ला, कमल तिवारी, यूसुफ फारूकी, विश्वास निगम आदि, अतुल शुक्ला आदि मौजूद रहे। वहीं साकिर हुसैन, इसहाक महबूब, जाने आलम, हिमांशु, कफील, फैजान समेत 10 लोगों ने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। उधर प्रांतीय अध्यक्ष ने बुधवार देर शाम कस्बा फतेहपुर चौरासी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वरुण तिवारी, अवनीश, अनिल कश्यप, धर्मेंद्र सिंह व ऋषभ शुक्ला मौजूद रहे। जमीर खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।